हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इंडियन रेलवेज़ के चैनल पर। मैं प्रखर सिंह आज आप सबके लिए इंडियन रेलवेज़ से जुड़ा एक नया वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कंट्रोल पैनल के बारे में बताया था। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा कि कंट्रोल पैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल पैनल के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। कंट्रोल पैनल कितने प्रकार के होते हैं ये मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल को आप लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं उन पे लगे कंट्रोल्स के बेसिस पर, रोटेटरी स्विच पैनल और पुश बटन पैनल। मतलब कि उन पैनल पर लगे कंट्रोल्स के बेसिस पर आप पैनल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रोटेटरी स्विच पैनल और एक पुश बटन पैनल। रोटेटरी स्विच पैनल क्या होता है कि पैनल पर जो सिग्नलिंग करने के लिए कंट्रोल्स दिए होते हैं वो स्विच के रूप में होते हैं। अगर आपको कोई मूवमेंट करना है तो आप उस पैनल पर लगे स्विच को घुमाते हैं, इसीलिए इस पैनल को रोटेटरी स्विच पैनल भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी मूवमेंट यार्ड में करना है स्टेशन में, तो आप उस पैनल पर लगे जो स्विचेज होते हैं घूमने वाले उनको घुमाकर कर सकते हैं। अगर सिग्नल लोअर करना है तो सिग्नल का आप सिग्नल स्विच घुमा दीजिए, सिग्नल लोअर हो जाएगा। पॉइंट को अगर आप लोग को सेट करना है किसी दिशा में तो उस पॉइंट के स्विच को आप घुमा दीजिए, पॉइंट रिवर्स या नॉर्मल में जिसमें भी आपको सेट करना होगा सेट होगा। तो इसे रोटेटरी स्विच पैनल कहते हैं क्योंकि इसमें स्विचेस घूमने वाले लगे रहते हैं, स्विचेस को घुमाकर आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये पैनल इंडिया में बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। बहुत ज़्यादा जगह आपको ये वाला पैनल नहीं मिलेगा, रोटेटरी पैनल कम जगह पर है, लेकिन हाँ मिल सकता है आप लोग को कुछ जगहों पर, ये अभी भी मौजूद है रोटेटरी स्विच पैनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा है पुश बटन पैनल। ये पैनल आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो रोटेटरी स्विच पैनल है और पुश पैनल्स हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा पुश बटन पैनल सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवेज में यूज़ होता है। जैसा कि इस पैनल का नाम बताता है, अगर इस पैनल में कंट्रोल के रूप में पुश बटन्स दी रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले जो रोटेटरी स्विच पैनल है उसमें मूवमेंट करने के लिए घुमाने वाले स्विचेस दिए रहते थे कंट्रोल के रूप में, जिनको घुमाकर आप मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन पुश बटन पैनल में स्विचेस नहीं दिए रहते घुमाने वाले, बटन्स दी रहती हैं जिनको दबा कर आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इनको पुश बटन पैनल भी कहते हैं। ये पैनल इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा जगह आप लोग को मिल जाएगा। ये और पुश बटन पैनल में सारा पुश बटन पैनल आपको मैंने जैसा बताया कि इसमें बटन्स लगी रहती हैं जिनको स्टेशन मास्टर दबाकर सिग्नलिंग मूवमेंट्स कर सकता है। अगर सिग्नल लोअर करना है तो सिग्नल की बटन दबाइए, सिग्नल लोअर हो जाएगा। अगर पॉइंट सेट करना है तो पॉइंट दबाइए, पॉइंट बटन दबाइए, पॉइंट सेट हो जाएगा। तो ये जो पुश बटन पैनल है ये इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये मैंने आप लोग को पैनल्स के दो पार्ट बताए उन पे लगे कंट्रोल्स के बेसिस पर। अब पैनल्स को आप और भी डिवाइड कर सकते हैं उनके डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे कि उनके डिज़ाइन के हिसाब से आप पैनल्स को दो भाग में बांट सकते हैं, इंटीग्रेटेड पैनल और कंसोल पैनल। इंटीग्रेटेड पैनल क्या होता है कि जिस पैनल पर पूरे यार्ड का डायग्राम बना हुआ है, यानी कि जिस पैनल पर सारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स बने हुए हैं उनकी इंडिकेशंस के साथ, अगर उसी पैनल पर उनको कंट्रोल करने के लिए बटन या स्विच दिए हुए हैं तो उसे इंटीग्रेटेड पैनल कहते हैं। ये पैनल
ये पैनल ज़्यादातर छोटे यार्ड के स्टेशन में मिलता है जहाँ पर पॉइंट्स की संख्या, सिग्नलिंग की संख्या या फिर कह सकते हैं ओवरऑल सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स की संख्या कम होती है। तो ऐसे में एक ही पैनल पर पूरा यार्ड डायग्राम भी होता है और उसी पर उनको उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए उनके स्विचेस या बटन दी रहती हैं। दूसरा होता है कंसोल पैनल। कंसोल पैनल इंडियन रेलवेज में जहाँ बहुत बड़े बड़े यार्ड होते हैं जहाँ पर पॉइंट्स की संख्या, सिग्नलिंग सिग्नल्स की संख्या या फिर कह सकते हैं ओवरऑल सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये पैनल्स कंसोल पैनल वहाँ पाए जाते हैं। इन पैनल में क्या है कि एक पैनल सामने आपके बना रहता है जिस पे पूरे यार्ड का सारा डायग्राम बना रहता है, यानी कि जैसा मैंने बताया था इंटीग्रेटेड पैनल में यार्ड का डायग्राम जिस पैनल पर होता है उसी के ऊपर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए उनके कंट्रोल्स दिए रहते हैं। लेकिन कंसोल पैनल में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े यार्ड में जहाँ पर पॉइंट्स और सिग्नल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जहाँ स्टेशन मास्टर बैठता है उसके सामने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती है जिस पर पूरे यार्ड का सारा डायग्राम यानी कि सिग्नल के एस्पेक्ट्स, ट्रैक सर्किट वगैरह की जानकारी, पॉइंट के सेट होने की जानकारी सारी उस पर उसको मिलती है। और सारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए उसे एक दूसरा हैंड डिस्टेंस पर नीचे पैनल बना रहता है जिस पर उस यार्ड के सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सारे कंट्रोल्स दिए रहते हैं। ऐसा पैनल आपको उस जगह मिलेगा, उन स्टेशन पर मिलेगा जहाँ पर यार्ड बहुत बड़ा होने के कारण एक ही पैनल पर यार्ड डायग्राम और उसी पैनल पर सारे कंट्रोल्स देना असंभव होता है। इसीलिए स्टेशन मास्टर को सुविधा हो इसलिए सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती है जिस पर पूरे यार्ड का डायग्राम बना रहता है और सारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स भी बने रहते हैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से। और नीचे उसके हैंड डिस्टेंस पर एक दूसरा पैनल लगा दिया जाता है जिस पर कंट्रोल्स बने रहते हैं, उस यार्ड के सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स के सारे कंट्रोल्स उस पर लगे होते हैं। तो स्टेशन मास्टर नीचे वाला जो उसके हैंड डिस्टेंस पर जो पैनल लगा है उस पर कंट्रोल मूवमेंट्स को ऑपरेट करके यानी कि कोई भी ऑपरेशन करके सामने लगी यार्ड में आराम से देख सकता है, सामने लगे यार्ड डायग्राम पर आराम से देख सकता है। एक में करना असंभव इसलिए था, कंट्रोल्स को और यार्ड डायग्राम को एक में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यार्ड बहुत बड़ा होने के कारण एक ही पैनल पर पॉइंट्स, सिग्नल्स वगैरह और उनके कंट्रोल्स देना असंभव था। ऐसे में स्टेशन मास्टर जो वहाँ पर ड्यूटी करता उसे बहुत दिक्कत होती, इसलिए उसकी सुविधा के लिए सामने एक स्क्रीन दे दी जाती है जिस पर वो सारे मूवमेंट्स स्टेशन यार्ड के देख सकता है। और नीचे हैंड डिस्टेंस पर एक दूसरा पैनल लगा दिया जाता है जिसमें कंट्रोल्स लगे रहते हैं जिन पर वो अपने हाथ से सारे मूवमेंट्स कर सकता है। तो ये आज मैंने आप लोग को बताया कि पैनल्स कितने तरह के होते हैं इंडियन रेलवेज में यूज़ होने वाले। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। आप जिन टॉपिक्स पर इंडियन रेलवेज़ के वीडियोस देखना चाहते हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और इंडियन रेलवेज से जुड़े ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के सारे वीडियोस की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।